आई एम डॉक्टर सब्बू कन्नौजिया, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। सबसे पहले सर मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। सर मेरा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रेट के थ्रू PhD हुआ है। नेट मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा था सर, 2012 से कंटिन्यू नेट का एग्ज़ाम दे रही थी और मुझे ये सफलता 8 साल बाद मिला है सर। मेरा PhD जियोग्राफी सब्जेक्ट से है। मैं काफ़ी फर्स्ट पेपर को लेकर निराश हो गई थी सर। मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन करती हूँ। आपके वीडियो के विषय में मेरे फ्रेंड ने बताया था कि डॉक्टर बेड़ूधर रोतिया सर की वीडियो सुनो, उससे तुम्हें फर्स्ट पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मैं सर फरवरी 2019 से कंटिन्यू आपका वीडियो देखकर नोट्स बनाती थी और मैं नेट के एग्ज़ाम के दिन भी वीडियो देखकर गई थी और आपका एग्ज़ाम के दिन आशीर्वाद का वीडियो भी देखी थी सर। उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दी थी जो आपने उसमें टाइम टू टाइम एग्ज़ाम हॉल के लिए और अन्य चीज़ों के लिए भी आप मोटिवेट किए थे सर। बहुत देर से मुझे सफलता प्राप्त हुई है सर। मैं छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई की हूँ सर। मैं जब छत्तीसगढ़ आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि आप सभी का मदद और कल्याण करते हैं। आपसे मैं अधिक इंस्पायर हूँ सर और आगे भी वीडियो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एवं PCS के लिए देखती रहूँगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट पेपर से काफ़ी हेल्प मिलता है सर। और एक बार फिर मैं लास्ट में आपको बोलती हूँ थैंक यू सर, प्रणाम सर। हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल कुमार हेलिंग फ्रॉम अंबिकापुर छत्तीसगढ़। प्रेजेंटली आई एम परसुइंग PhD इन कॉमर्स फ्रॉम DAVV इंदौर एंड टुडे आई क्वालिफाइड माई नेट इन कॉमर्स एंड फॉर दिस आई एम वेरी थैंकफुल टू रोतिया सर for providing such wonderful and useful information for us. Now I just want to congratulate each and everyone who have qualified NET and JRF, and those who have not qualified, please be have patience, because next time definitely you will be. And this is my second attempt, and in my first attempt I was also not qualified the NET, and then I make a strategy, go through the YouTube videos of Rotiya sir and other YouTube lectures and go thoroughly from the academics standard books, and today I am NET qualified now. So those who are looking for December 2019, I just want to suggest them to just read and study thoroughly whole book and try to cover the entire syllabus. Don't try to left any of the section, and just cover each and every section whenever you are preparing for NET, because फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स मैंने ये देखा है कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं रह गया नेट के एग्जाम में। जैसे जब CBSE का मैंने आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे CBSE, तो इसमें एक फिक्स पैटर्न था। आप कॉमर्स की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट का एक फिक्स पैटर्न रहता था कि हर सेक्शन से एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे। अभी रहता है कि सब कम्प्रिहेंसिव, किसी भी सेक्शन से कभी ज़्यादा पूछ देता है, कभी कम पूछ देता है। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो जाए कि हम जब भी प्रिपेयर करें तो उसको थोरली एंटायर सिलेबस कवर करें। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इस सेक्शन को ज़्यादा कवर करें, उस सेक्शन को ज़्यादा कवर करें, उससे ज़्यादा बेटर है कि एटलीस्ट हम ईच एंड एवरी सेक्शन को कवर तो करें अच्छे से। हाँ, ये हो सकता है कि हम कुछ कुछ सेक्शंस को जो हमारा बेटर हो उसको हम ज़्यादा अच्छे से कवर करें, और जो ज़्यादा अच्छा नहीं है उसे हम और उस पर कमांड बनाएं और उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं उन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा कम फोकस करके जिनको हम नहीं जानते हैं अच्छे से उस पर ज़्यादा कमांड करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जितना ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलता है, बहुत सारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन जितना ज़्यादा मॉक देने की कोशिश करो तो उतना अच्छा है, क्योंकि एक हेजिटेशन निकल जाता है उससे, एग्जाम का एक जो प्रेशर रहता है कि हम ये क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं कभी कभी सिमिलर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होते जाते हैं उससे। तो यही सारी चीज़ मैंने ये सारे स्ट्रेटजी फॉलोज किए। आई होप आपको ये हेल्प करे। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच रतिया सर फॉर गिविंग सच काइंड ऑफ लेक्चर्स एंड ऑल इंफॉर्मेशन टू अस। थैंक यू सर।
Thank you so much, sir. After seeing my result directly, I remember you, sir. Because if you, this thing got possible, I know. Because last time I couldn't qualify and you have given enough strength and motivation to qualify this time. And definitely this time I have cracked because of your entire help and motivation, which you have given time to time. And definitely 8 o'clock, which no one will forget. 8 o'clock when you come live and, you know, spread tremendous of knowledge. Through the internet, through the YouTube. I'm so happy, sir, and I don't have still enough words to express your entire help. Only I will say ki, yeah, you type of teacher is very rarely to find out in the society. And at last also I will say, sir, thank you so much, sir. Thank you so much.